आपका स्वागत है हमारे सिनेस्पेक्स चैनल पे। थैंक यू। तो मैम, आप बता सकती हैं कि ये जो 10-29 की आखिरी दस्तक, इसमें ऐसा क्या होने वाला है या फिर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि आपको प्ले करने में बहुत मज़ा आया हो? उनमें मैं अपने पति से लड़ी हूँ और उन्होंने मुझे एकदम डरा के रखा है और मैं उनके मतलब वो जो बोलेंगे मैं वो करूँगी, कुत्तों में बैठ के बैठे। सो दिस इज ऑन स्क्रीन, बट रियल लाइफ में मतलब इज अ सुपर कूल आर्टिस्ट टू वर्क विद, वेरी स्वीट एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। सो दिस इज माय कैरेक्टर, वेरी स्वीट सिंपल एंड अपने पति से। बाकी तो मैम, ये जो 10-29 की आखिरी दस्तक, ये जो नाम है, इसको सोचकर मतलब आपको क्या लगता है? मतलब आपने कभी सोचा होगा कि मुझे मतलब ऐसा कोई अजीबोगरीब नाम? तो क्या आपको लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है ये 10-29 की आखिरी दस्तक को देखकर, मतलब जो ट्रेलर होगा या फिर जो भी दिखाया जाएगा उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी या फिर? आई एम श्योर ये एक्चुअली इसका ट्रेलर देखने का तो इट सो अमेजिंग, लाइक अ फिल्म। मतलब यू आप ट्रेलर देखो एंड देन यू टॉक, इट इज सो अमेजिंग, यू विल फील लाइक यू आर वाचिंग इट ऑन टीवी, यू विल फील लाइक यू आर वाचिंग अ फिल्म, प्रॉपर फिल्म। ऐसा शूट हुआ है, इतनी मेहनत की है, एक एक सीन में इतनी मेहनत की है, आई कांट टेल बिकॉज एक एक सीन में उन्होंने दो तीन दिन, मतलब एक एक एपिसोड के लिए उन्होंने इतने इतने टाइम लगाया है। या सो उन्होंने बहुत मेहनत की है एंड यू कैन सी द रिजल्ट। तो मैम, ये शो में आपको काम करके मतलब कैसा फील हो रहा है? आई एम लविंग टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, इट इज अमेजिंग, प्रोडक्शन हाउस इज सुपर्ब, द को एक्टर्स आर अमेजिंग, वेरी स्वीट एंड आई लाइक योर कैरेक्टर एज वेल। मुझे अच्छा लगा मेरा कैरेक्टर, मुझे हमेशा मैंने थोड़ा नेगेटिव और थोड़ा ऐसे अलग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। फर्स्ट टाइम आई डू मेरा कैरेक्टर कैरेक्टर बहुत सेम यूनि से डरी से ज़्यादा सो मैम, और आगे क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है इस, मतलब आप बस आप ये है कि आपको लास्ट तक पता चलना चाहिए कौन है एक्चुअल में डायल, आपको अभी नहीं पता होगी मैं, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसमें आपको देखना कि कौन है एक्चुअल डायल, है भी या नहीं भी, और है तो कौन है। सो यार इट इज़ गोइंग टू बी सस्पेंस एवरी एपिसोड, सो वी एंजॉय वॉचिंग, वी एंजॉय वर्किंग, वी एंजॉय डूइंग द सीन एंड आई एम श्योर ऑडियंस विल लव वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच मैम।